अच्छा पहली चीज़ है स्किन रूटीन जो डेली केयर होती है। अच्छा उसमें उसमें पहली जो चीज़ है कि मैं जो रेगुलर है वॉश अपना यूज़ करती हूँ ये, और प्रोडक्ट बेचने की अलग होती है, अपने लिए स्पेशल रखती हूँ। ओहो अच्छा, इस ये आप क्या इसमें क्या मिला हुआ है ऐसा? इसमें कुछ भी नहीं मिला, ये बहुत माइल्ड है। हाँ। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, सिर्फ ये क्लेंजिंग कर देता है, और ब्रश के साथ कोई डीप क्लेंजिंग होती है तो मेकअप वगैरह सब पोर से निकाल देता है। मतलब कि बस आपने ये लगाया? बिल्कुल, जैसे वॉश किया मॉर्निंग में भी, फेस वॉश की फेस वॉश। हाँ ये लिख फेस वॉश ही है, ये फेस वॉश इन्होंने खुद बनाया है। जी आपने खुद बनाया ये? नहीं बॉटल तैयार, बॉटल तो तैयार मिली होगी ना कहीं से? अच्छा मिल जाती है, बॉटल कहाँ से मिली है मैं ये जानना चाहती हूँ। ये तो मैं आपको नहीं मशवरा कर सकती। नहीं हमारी ब्रांड, हमारे मतलब मेरे पास मिलता है, लेकिन जो लोगों को देने के लिए बना, थोड़े कलर्स डाले हैं, थोड़ी फ्रेग्रेंस ऐड की है इसमें, कुछ मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। ठीक है ये तो हो गया फेस वॉश। ठीक है अब आगे के चलें। अच्छा फेस वॉश करते ही सबसे पहले जैसे एज हो गई है बच्ची, हाँ। तो होने में तो मुझे हाइलुरोनिक मिस्ट चाहिए होता है। हाइलुरोनिक मिस्ट, हाँ, ये हाइलुरोनिक एसिड है, ये एम कॉलरिक का है। एम कॉलरिक ये किधर से मिलता है? ये मिल जाएगा लेकिन ऑनलाइन मिलता है। अच्छा इसमें प्योर 100% हाइलुरोनिक एसिड होता है, हमने फेस वॉश करके फ्यू ड्रॉप्स लगा लिए तो आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम्प करता है। जैसे हम क्या करते हैं फेस वॉश यूज करते तो हमारी चेहरे की ना एकदम ड्राइनेस होती जाती है। तो जब आप ये फेस वॉश करने के बाद एक ये क्या स्प्रे होता है? आप दो ड्रॉप्स लगाए और इसको लगा लिया। ओके लाइक जेल फॉर्म में है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपको लाइक यंग रखता है, बिल्कुल आपके स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, उसको प्लम्प नेचुरली रखता है, आपकी स्किन फ्रेश रहती है, लगता है आपको जैसे कहते हैं ना एक मुरझाया हुआ सेब और एक फ्रेश सेब। अच्छा, वो डिफरेंस आता है। ये आप कितने दिन से लगा रही हैं? ये मैं लगा रही हूँ तकरीबन अब तो उसको 1.5-2 महीने हो गए। तो आपको लगता है कि बहुत बहुत फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा फिर उसके बाद? अच्छा उसके बाद जो है रूटीन के अंदर और तो कुछ भी नहीं, सनब्लॉक अगर बाहर निकल। सनब्लॉक कौन सी लगाती? अच्छा सनब्लॉक मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली जो है ना मैं ये लगाती हूँ पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में है ये? अच्छा ये क्या है? ये पाउडर है, इसको आपने किया? नहीं कौन सी ब्रांड है? अच्छा ये ब्रांड आपको देखनी पड़ेगी, ये मैं बाहर चलता इस दिन की है। फोटो प्रोटेक्टर इस दिन मिनरल फेशियल सनस्क्रीन। अच्छा ये कैसे इसमें पाउडर में लगा हुआ है? आपने कहीं जाना है? मेकअप जैसे अपने लगा लिया हमने, जो भी विटामिन सी सीरम लगाया है या जो भी मॉइस्चराइजर लगाया है और कुछ नहीं करना है, तो हल्का सा ये कर लिया तो सन मतलब वो ड्राई भी हो जाएगा। जैसे लाइक मुझे ना सनब्लॉक लगाने में क्या होता है, जब मैं सनब्लॉक लगाती हूँ अपना सब मेकअप वेकअप उतार के तो एकदम स्किन डल लगने लगती है, वो उसके ऑयल की वजह से अजीब सी डल लुक आती है। तो शायद ये मेरे ही जैसे स्किन के लिए। समर डेज में ये बहुत अच्छा होता है, अगर विंटर में हम करते हैं तो विंटर के लिए निकलेगा तो कैसा पाउडरी लुक आएगी। अच्छा ये पाउडरी है? हाँ ना ये पाउडर है, तभी तो मैं कह रही हूँ। नाइस। ओह तो ये मतलब ये देखो ना पाउडर लगने की वजह से एक तो स्किन डल नहीं हो रही, डिफरेंस आया, वो जो डलनेस थी वो नहीं हो रही, और ये पाउडर भी लग गया। अगर मतलब सर्दियां हैं या मौसम बहुत ड्राई हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही, तो फिर मेरे पास स्टिक वाला जो है वो इसी का स्टिक वाला है। इसका स्टिक वाला वो बिल्कुल स्टिक है। ये किधर से? ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा? ये तो मैं लेके आई थी कि मिल जाता है। अच्छा ठीक है, मतलब ये मैं लाई थी बट ये मिल जाता है इजीली। अच्छा इसके बाद अपना रूटीन में आपने जो काम करना है मतलब एक डेली रूटीन बता रही हूँ। रात को सोने से पहले सबसे ज्यादा चीजें लगती हैं। हाँ ये तो सही है, जाहिर है बहुत ज्यादा लगती है। उसमें क्या होता है कि लाइक ये आई क्रीम है, ये आई क्रीम है और ये बहुत जबरदस्त है, ये मंगवाई थी, बॉडी फर्म क्रेप इरेज फ्लॉ फिक्स आई क्रीम विद ट्रू फर्म क्रेप इरेज। इसकी ब्रांड का नाम है क्रेप इरेज, यहाँ से दिखा रही हूँ, नजर आ रहा है? तो वो आप सर्च भी कर सकते हैं, वो ब्रांड्स जाके क्या पता आपको क्या सूट कर जाए। ये आई क्रीम है, आई क्रीम, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपने बस जरा सा लेके आप जैसे आप लाइक मेरी लेड है उसके ऊपर लाइंस बहुत जल्दी आती हैं। अच्छा अंडर आई भी, और तो ये इसका है कि आपने हल्का सा लगाया आप इसके ऊपर मेकअप कर लिया, इसके ऊपर मेकअप कर लें, रात को भी ये लगा, रात को भी लगा लें, और रात आपके ऊपर और नीचे दोनों दोनों, और रात के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ये है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा हाँ यहाँ पे एक बात बता दो, ये जो प्रोडक्ट्स रखी हुई है इसमें 70% जो है मेडिसिन के साथ वो निदा की बताई हुई से क्या जो चीज आएंगे, ये तो मैंने बताया था 70% प्रोडक्ट्स वही हैं जो कि निदा ने कहा कि ये कितना फर्क पड़ा ना, ये बहुत अच्छा। मैं सारी जिंदगी से लगा रही हूँ विटामिन ई ऑयल। अच्छा ओके, विटामिन ई ऑयल यहाँ पे भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, हम दुबई से लाए, ये भी दुबई से लाए, लेकिन ये यहाँ पे भी मिल जाता है।
तो इससे बड़ा जो जैसे लाइंस है ना आंखों के ऊपर और नीचे, कभी कभार हमारी मेकअप करने से भी आ जाती है। बिल्कुल, मेरी तो आंखों की लेजर हुई है, मेरी नजर कमजोर थी, तो मुझे तो तुम्हारी एज में ही आ गई थी लाइन, क्योंकि लेजर कराने से आपकी ड्राई हो जाती है ऊपर नीचे, इतनी जल्दी लाइन आ गई। फिर ये डॉक्टर ने कहा मुझे, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट जो है अफजल लोधी है, उसने उन्होंने कहा जिंदगी भर मरते दम तक तुम नहीं, और मुझे इन्होंने कहा हाँ बहुत सुकून रहता है आंखों के नीचे और ऊपर, और बल्कि सिर्फ आंखों के ऊपर नीचे नहीं, अपने हाथों पे भी लगाएं, पैरों पे भी लगाएं, लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऑयल है ना ये बिल्कुल मुंह के अंदर चला जाए, नहीं कोई खतरनाक नहीं, लोग पीते भी हैं, खाते भी हैं लोग, कैप्सूल जाते हैं पूरे चेहरे पे भी लगाया जाता है, फेशियल ऑयल पूरे फेस पे, फिर जैसे बालों पे भी कुछ ड्राई स्किन, एग्जैक्टली मैंने बालों पे लगाया, हां ट्रीटमेंट के लिए लगाया, बालों पे भी लगाते हैं, अच्छा ये विटामिन ई ऑयल जो खालिस वाला है बहुत अच्छा है। अच्छा ये अच्छा रात को, इसके अलावा ये है फुट स्क्रब, ये शाम को या रात को जब मैं बहुत, ये फुट स्क्रब है जी, अच्छा जब आप थक जाती हैं, लगाया रात को अच्छी तरह से मसाज किया, वॉश किया, सो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ओ देखिए इससे ना ठंडक मिलती है हमेशा पैरों में, जब आप ठंडक या होता था, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अब्बा जो हैं वो ठंडे पानी में पैर डाल के बैठते थे जब बहुत थक जाया करते थे, कभी कभार तो हम रस्सियां भी बांधते थे उनके पैरों में, स्वेलिंग हो जाती थी खड़े खड़े, तो वो उस वक्त गर्म पानी में, उसके बाद ठंडे पानी में, ये पेपरमेंट है ना इसके अंदर बहुत अच्छा, तो वो एक रिलैक्सेशन मिलती है, हल्का सा मसाज करें, वॉश करें, फिर अपने आराम से कुछ सुकून नहीं ले लें, और नींद का ताल्लुक भी चेहरे से होता है, नींद अच्छी होती है, चेहरा फ्रेश, पांव से, ये नाइट क्रीम है ये भी बड़ी अमेजिंग है यार, ये तो मैं भी इस्तेमाल करती हूं, बड़ी अमेजिंग क्रीम है ये, शिशिडो की है वाइट लूसन ब्राइटनिंग जेल क्रीम, ये अप्लाई मॉर्निंग एंड नाइट आफ्टर क्लेंजिंग, बिल्कुल ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, कभी कभार करती हैं आप? मैं मेकअप सुबह भी लगाती हूँ और रात को सोने से पहले अच्छा मेरे रात तीन हिस्सों में होती है, अच्छा तो जब रात को ईशा के बाद सोने लेटती हूँ तो लगा लिया, उसके बाद जब मैं तहज्जुद के बाद उठती हूँ तो फिर मैं दूसरी चीज लगाती हूँ, हाँ नहीं इसलिए इस एज में अगर आपने मेंटेन कर लिया ना आगे नहीं, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना हम देखते हैं कि लाइक जो हमारी उम्र है, हमारी उम्र की वो खातून जिसने अपना ख्याल नहीं किया, क्या हमसे 10 साल बड़ी लगेंगी, तो जब आपने अपना ख्याल किया तो फिर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आप शुरू से अगर आप टेक केयर करें तो आगे जाके, मतलब जैसे आप, जैसे तुम लोग अपना ख्याल करो, हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, तो तुम जब हमारी उम्र को पहुंचोगे हमसे 10 साल और छोटी लगोगी, बिल्कुल कि लाइक, क्योंकि हमें नहीं अकल आई थी उस वक्त, वो वाली चीज है। अच्छा ये हैंड क्रीम है, ये क्या हैंड क्रीम, ये हैंड, ऑल द डे, मतलब अभी तक मैं इस केयर पे नहीं पहुंची, हैंड और फुट केयर पे नहीं, बहुत अच्छी है, अच्छा वो उसी की क्रेप इरेज की है, क्रेप इरेज ये जो आपने आई क्रीम दिखाई थी, आई क्रीम है उसी की वाली, यस है ना, इसी ब्रांड की, इसी ब्रांड, तो आपको पता कैसे चलता है, आप ट्राई करती हैं चीज़ें या क्या, इस कैसे पता चला ये क्रीम का? इसको तो मैंने जैसे आपकी जो बताई हुई प्रोडक्ट्स को तलाश कर रही होती हूँ, तो उसमें बीच में आपको आता है तो उसमें से सर्च कर, फिर आपने रिसर्च की, तो ये क्रेप इरेज जो है ये मैं पहली दफा ब्रांड सुन रही हूं, बहुत अच्छा जो है ना, इसकी हैंड क्रीम तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, अच्छा बहुत ही अच्छी है, ओके तो ये हैंड क्रीम भी हो गई, देखिए ना लाइक हमारे पास ज्यादा मवाद है बताने के लिए, और अच्छा उसके अलावा जैसे रात पूरी रात नहीं लगा सकते, नॉर्मली होता है कि हम एलोवेरा जेल लगाते हैं, लाइक मैं सुबह के लिए जो सुबह की 2-3 घंटे की नींद होती है, फेस वॉश किया या वजू किया, तो ये बना हुआ है लाइक हमारी अपनी बनाई, मेरी अपनी बनाई हुई वाइटनिंग क्रीम है, लेकिन मैं वैसे नहीं लगाती, इसमें एलोवेरा जेल मिलाया हुआ है, अच्छा और इसको अगर जब मुझे चाहिए कि मैं किसी दिन मुझे कहीं जाना है और मुझे मेकअप नहीं करना है, मुझे चाहिए कि मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे लगें, तो ये मैंने हल्का सा ले कर रात को लगा लूंगी, हाँ। और सुबह मतलब बिल्कुल स्किन जो है ना वाइट सी हो जाती है, अच्छा स्मूथ भी हो जाती है, बहुत ब्राइट भी हो जाती है, और ये पूरे फेस नेक एंड फीट पे आप लगा लें, अच्छा इसको मैं ट्वाइस या थ्राइस अ वीक लगाती हूँ, इसलिए इससे अगर हल्के फुल्के स्पॉट्स आ गए हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं, जैसे हाथ पैर पे आ जाते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता कुछ पकाते भी, बिल्कुल बहुत अजीब सा हो जाता है, कट लग गया तो वो उससे आपके हाथ थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, तो बहुत दफा होता है ना, और पता भी नहीं चलता ये नील कहाँ से पड़ा, और याद भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता। अच्छा ये अच्छा। जो है आपको मैं आपके शो में पहले बता भी चुकी हूँ, बनाना भी सिखाया है, और ये लैश सीरम है, लैश सीरम, और इसको जो है डिफरेंट लगाते हैं, होता तो आईज के लिए बट
टू मंथ्स में आपकी जो है ना लैशेस डबल हो चुकी हो जाती हैं और आपको कोई ये तो बिल्कुल नई चीज है आपने कभी यूज किया है? मैं ही अपनी मतलब मेरे पास आर्टिफिशियल लैशेस नहीं है अपनी ही है अच्छा और मैं कर रही हूँ उसको और अल्लाह का शुक्र है मेरी लैशेस बिल्कुल खत्म गंजी थी यहाँ से मैं अच्छा तो वो कैसे मिली आपको हर जगह मेडिकल स्टोर से लुमिगन आँख के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है अच्छा नहीं मस्कारा का नहीं इसको हमने लगाना अपने जो है ना लैश के लाइनर लगाते हैं लाइनर की तरह से लगाना मस्कारा की तरह नहीं लगाना बस ये फर्क और जस्ट वन ड्रॉप लगाना होता है एक वाटर टू मंथ चल जाती है नहीं तो लगाना किसे लाइक वंस रात को सोते वक्त सोने से बस अच्छा ये जो ब्रश है ये आंख के अंदर जाएगा लाइनिंग चला गया ऊपर से लगाई रात अगर आंख में चला गया कोई मसला नहीं आई ड्रॉप ही है अच्छा ये आंख में चला भी गया कोई टेंशन कोई टेंशन नहीं है आई ड्रॉप है और देते यही है आई इन्फेक्शन अगर कोई होता है तो उसके लिए देते हैं बट इसको जैसे हम कहते हैं ना ग्लूटाथायोन है वो एक चीज़ का इलाज है बट उसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है हाँ तो उसको अगर हम लगाते हैं स्वेलिंग रहती है आंखों के चाय बैग्स ही बनते हैं तो वो एलर्जी की वजह से हाँ, बिल्कुल एक ड्रॉप्स तो यूज कर रही हूँ बिल्कुल वो आपने ये यूज कर सकती ये कर सकती हैं और इसमें फायदा इसके ऊपर जो लिखा हुआ है पूरी जो वर्ल्ड की जो स्टडी है उसमें ये है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ आपको प्रिस्क्राइब करके ही मिलेगा और एक बॉटल पाकिस्तान के अलावा हम बड़े लकी हैं 25,000 की मिलती है और यहाँ कितने की है 1400 की 1400 रुपये कुछ हाँ पूरी दुनिया में 25,000 ये क्या कहानी है इसलिए वो सिर्फ एलोपेशिया के पेशेंट्स को दिया जाता है और जिनको अपनी लैशेज ग्रो करनी है उसके लिए दिया जाता है एलोपेशिया के पेशेंट जिनके आईब्रोज एंड लैशेज नहीं होते हैं उनके भी आ जाते हैं ये देखिए मैं दोबारा दिखा दूँ आई लैश के पीछे तो लोग बड़े दीवाने आदमी तो बेचारे लगवा भी आईब्रोज जो है वो एक जगह आईब्रोज भी ठीक हो जाती है गोल्ड पैचेस पड़ जाते हैं बिल्कुल और इसको जो है जहाँ पे अगर आपके बाल पैचेज है तो उस पर भी लगा सकते हैं ओके ठीक है ठीक है ये हो गया ये अच्छा ये हेयर ऑयल है ये हेयर ऑयल कौन सा वाला हेयर ऑयल तो ये अपना ही अपना सी बात है आपका अपना जाएगा हेयर ऑयल तो फिर आप अपने लिए जो बनाती हूँ बच्चों के सबके अलग बनते हैं इसमें मैंने प्याज का तेल भी इस्तेमाल किया है इसमें जो है अपना मोरिंगा का भी तेल मौजूद है और डिफरेंट मिला के हेयर ऑयल तो कोई और पर बंदा यकीन ही नहीं कर सकता ना वो तो बिल्कुल ये जो है इसलिए कि पिछले लास्ट ईयर एक मसले की वजह से मेरे बाल खत्म हो गए थे बिल्कुल खत्म हो गए थे एक तरफ से मेरे लाइक टोटली गंजपन आ गया था तो ये जो है एक ऐसा सिरम है जिसको हम लगाते हैं अब मेरे जितने भी बाल हैं बस इतने इतने से हुए हैं तकरीबन 7-8 महीने में तो ये हेयर ग्रोथ सिरम कहलाता है लेकिन ये प्याज आपने खुद बनाया ये भी बनाया हुआ अच्छा। है जैसे कि ऑयल में किसी का नहीं लगा सकती ओके और अगर बालों को नरिश करना है तो सिर्फ सिंपल ये होता है कि उस ऑयल के अंदर मैं विटामिन ई मिला लेती हूँ अच्छा उस ऑयल के अंदर यस उसके अंदर मिला के बहुत सारा ताकि आपके एंड्स जो है हेयर के बहुत स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं फटे हुए होते हैं तो वो मिला के वो बड़ा अच्छा हो जाता है और बहुत ही मतलब बाल स्मूथ मतलब विटामिन ई ऑयल जो है बालों पे भी लगा सकते हैं बहुत अच्छा से बचाने के लिए बहुत पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%